गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आवाज आ रही है, सब लोग आ गए। हाँ, चलो गुड इवनिंग राज, प्रियंका, हेमंत, साधना, एवरीबॉडी, वर्षा, योगेश आ गए वापस से, सारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया। अब हम फिर से 25 क्वेश्चंस करेंगे। एंड एक बात बताओ, क्या पिछली क्लास में स्पीड थोड़ी ज्यादा थी क्या? मतलब समझ नहीं आ रहा था, सब बाउंस हो गया, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे क्या? कोई दिक्कत थी या सही थी स्पीड, या फिर थोड़ा धीरे बोलूं मैं? चलो भास्कर यहाँ पे शायद नए हैं, सब लोग भास्कर को बताओ हम कहाँ से हैं। भास्कर को बताओ जरा जल्दी से, भास्कर पूछ रहा है मैम आप कहाँ से हैं। तो भास्कर को जवाब दिया जाए कि मैम नहीं, हम सब कहाँ से हैं। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, स्पीड का बताओ एक बारी, सेशन लाइक करो। आ गए सब लोग वापस यहाँ पे, तो उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ये ईमेल आईडी है, डाउट्स वगैरह कुछ भी हो, या तुम लोगों को कुछ भी पीडीएफ वगैरह शेयर करनी हो विच यू थिंक कि क्लास में मुझे पढ़ाना चाहिए, तो वो यहाँ पे शेयर कर दो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स वो पूछ लो। टेलीग्राम चैनल, चैनल का नाम और लिंक दोनों मैंने यहाँ पे दे दी है। सही थी स्पीड? चलो ठीक है, सही थी स्पीड। योगेश इज लाइक अर्थ से हो। भास्कर जवाब मिल गया आपको? अच्छा, मैडम जबलपुर से हो गई है। मैडम जबलपुर से नहीं है, मैडम इंडिया से है। समझते नहीं हो यार तुम लोग, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। यस योगेश, आई आई गॉट योर पीडीएफ, आई एम सो सॉरी आई डिड नॉट रिप्लाई टू इट, आई जस्ट सॉ इट इन माय नोटिफिकेशंस, आई विल रिप्लाई टू इट, आई हैवंट सीन इट, बट थैंक यू सो मच। तुम लोग देखो, योगेश ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं कोरोना रिलेटेड, एंड वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ग्रुप पे डालूंगी एंड ड्यू क्रेडिट्स के साथ डालूंगी। सो राज हैज ऑल्सो सेंड मी सम क्वेश्चंस, मैंने उसको भी पूरा क्रेडिट दिया है। टुडे मैं योगेश को भी पूरा क्रेडिट दे दूंगी। इसलिए सिमिलरली, इफ यू ऑल हैव एनीथिंग विच यू वॉन्ट टू शेयर एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, अगर क्वेश्चन देना चाहते हो, पीडीएफ देना चाहते हो जो बाकियों के साथ शेयर किया जाए, सो जस्ट सेंड इट टू मी, आई विल डू दैट एंड दैट्स इट। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भास्कर वेलकम टू दी क्लास, आप नए हैं यहाँ पे, सारे बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे। एंड 31, 32 लोग देख रहे हो, सेशन लाइक कर दो यार। चलो ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड द ओवरऑल हम लोग का 26th क्वेश्चन। इट इज मुंबई इंडियंस हैज वन द आईपीएल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ये तो एक स्टेटमेंट दे दिया। विच नंबर ऑफ विक्ट्री वॉज इट इन 2020? अभी जो 2020 में इनने दिल्ली कैपिटल्स को हराया, हमने पहले पिछले सेशन में देखा कि फाइनल दिल्ली कैपिटल्स को हराया मुंबई इंडियंस ने, तो ये मुंबई इंडियंस की कौन से नंबर की विक्ट्री है? इज इट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ? बताओ जल्दी बताओ, टेल मी। इज इट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ? आई जस्ट वॉन्ट वन पर्सन आंसरिंग इट करेक्टली टिल नाउ, टू में भी। द आंसर टू दिस इज फिफ्थ, ये फिफ्थ नंबर की विक्ट्री थी उनकी। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम द ओनली प्लेयर आफ्टर MS धोनी टू प्ले 200 मैचेस इन आईपीएल? हु बिकेम द ओनली प्लेयर, एकमात्र प्लेयर आफ्टर MS धोनी जिसने 200 मैचेस आईपीएल में कंप्लीट किए? डेविड वार्नर, विराट कोहली, रोहित शर्मा और क्रिस गेल, इन चारों में से हु बिकेम द ओनली प्लेयर आफ्टर MSD? टेल मी। वार्नर भाई साहब, यार वार्नर के तुम लोगों ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे वीडियोस देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जस्ट मजाक करने का मन हुआ मेरा। ओके, डेविड वार्नर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिस गेल। द आंसर इज नॉट क्रिस गेल, द आंसर इज रोहित शर्मा। इट इज रोहित शर्मा, MS धोनी के बाद हु कंप्लीटेड 200 मैचेस इन आईपीएल, 200 मैचेस आईपीएल में कंप्लीट किए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेनिस प्लेयर बिकेम दी ओनली फोर्थ प्लेयर, कौन सा टेनिस प्लेयर एक फोर्थ प्लेयर बना टू अर्न 1000 ओपन एरा सिंगल्स विक्ट्री? ओपन एरा सिंगल्स विक्ट्री 1000 किस टेनिस प्लेयर की हुई? हु बिकेम द ओनली फोर्थ प्लेयर, और ये फोर्थ प्लेयर तो था, तो इसके पहले के तीन प्लेयर कौन थे वो भी बता दो।
नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, मेडवेडेव और राफेल नडाल, इन चारों में से किसने थाउजेंड ओपन एरा सिंगल्स विक्ट्री? बी डी, क्या कर रहे हो तुम लोग, आंसर दो जल्दी। नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, मेडवेडेव या फिर राफेल नडाल, बताओ यार, बताओ बताओ बताओ। द आंसर टू दिस इज अगेन द कोर्ट, हमारे क्ले कोर्ट के राजा साहब, द किंग ऑफ द क्ले कोर्ट, राफेल नडाल। अब ये जान लो कि इस ये चौथे थे तो पहले तीन कौन थे, याद तो नहीं रख पाओगे, लेकिन फिर भी जिमी कॉनर्स, रॉजर फेडरर एंड इवान लैंड, सॉरी। ओके सो वी हैव दीज फोर ऑप्शंस में से द करेक्ट आंसर इज राफेल नडाल, इसमें रॉजर फेडरर भी एक है, तो ये आपके फोर्थ बने, ये फोर्थ नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, फोर्थ याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क ओपन विमेन सिंगल, हु वन द डेनमार्क ओपन विमेन सिंगल? ये यहाँ पे बैडमिंटन की बात हो रही है, पहले तो जो लोग यही नहीं पहचान पाए हैं उनके लिए, बैडमिंटन के विमेन सिंगल्स डेनमार्क ओपन की बात कर रहे हैं। कैरोलिना मारिन, रत्ना चोक, नोजोमी ओकुहारा या सुंग जी युन, इनमें से किसने डेनमार्क ओपन वुमेन्स सिंगल जीता है? आई एम सो सॉरी राजा, प्रोनाउंस्ड इट गलत तरीके से, आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोलूं क्या? कैरोलिना मारिन, बताओ इसका आंसर क्या है? एंड एज एक्सपेक्टेड काफी लोग यहाँ पे कैरोलिना मारिन टिक करेंगे। द आंसर इज नोजोमी ओकुहारा, ओकुहारा दीदी जो थी यहाँ पे डेनमार्क ओपन इनने जीता, और इनने डेनमार्क ओपन में मारिन दीदी को हराया। सो ओकुहारा डिफीटेड कैरोलिना मारिन इन डेनमार्क ओपन। नाउ अब डेनमार्क ओपन की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो ये बता दो कि डेनमार्क ओपन मेन्स सिंगल रैसमस गेमके को हरा के, यार इनके अजीब अजीब से नाम है, मुझे उसके लिए मारना मत, समझ में आई? मेन्स सिंगल में किसने जीता डेनमार्क ओपन? लिन डैन, श्रीकांत किदंबी, एंडर्स एंटेसन या फिर नन ऑफ दी अबव, क्या है इसका आंसर? डेनमार्क ओपन की बात हो रही है, ए बी सी डी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताओ बताओ बताओ। द आंसर इज सी, इट इज नॉट लिंडन, लिंडन के पीछे मत भागो, एंडर्स एंडरसन की बात हो रही है, ही वन द डेनमार्क ओपन मेन्स सिंगल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वन द 17th एनबीए चैंपियनशिप? पहले तो आधे लोगों ये बताओ, पहले ये बता दो तुम लोग, चलो एनबीए चैंपियनशिप मतलब हम किस स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं स्पोर्ट्स जब आता है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि पहले उनको ये तो पता चल जाए कि एनबीए चैंपियनशिप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, पहले वो बताओ, फिर बताओ कि कौन सी टीम इसमें से जीती 2020 में? वॉज इट मायामी हीट, वॉज इट बॉस्टन सेल्टिक्स, लॉस एंजलिस लेकर्स और नन ऑफ दी अबव, क्या है इसका आंसर? एनबीए चैंपियनशिप किसने जीती? चलो भैया, बास्केटबॉल तो पता चल इतना पता है लोगों को, वेरी गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट बास्केटबॉल हियर। एंड कौन सी टीम ने जीता अब ये बता दो। दो ही नाम सुने होंगे तुम लोगों ने, उसमें भी तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो दो ही नाम सुने होंगे, मायामी हीट और लॉस एंजलिस लेकर्स। द आंसर टू दिस इज सी, द आंसर टू दिस इज सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रोक एम एस धोनीज रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ डिसमिसल्स बाय अ विकेट कीपर? धोनी भाई साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, हु ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ डिसमिसल्स बाय अ विकेट कीपर इन T20 इंटरनेशनल्स? कुमार संगकारा, मुशफिकर रहीम, एलिजा हेली और क्विंटन डिकॉक, इन चारों में से किसने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा? सेशन लाइक करो जल्दी, सेशन लाइक करो, तुम अगला क्वेश्चन नहीं पूछूंगे, चलो जल्दी बताओ धोनी का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया, काफी दुख की बात है। नेक्स्ट
बट ठीक है, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है. टेल मी द करेक्ट आंसर. द आंसर इज एलिजा हेली. वेरी गुड, एलिजा हेली इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. विच फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर, फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर, अ टॉप रैंक्ड टेनिस प्लेयर, हैज नाउ वन अ गोल्फ चैंपियनशिप. यार क्या मतलब, प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर भी है, टॉप रैंक टेनिस प्लेयर भी, एंड नाउ वन अ गोल्फ क्लब चैंपियनशिप. किसकी बात हो रही है? क्या मारिया शारापोवा की बात हो रही है, टाइगर वुड्स की बात हो रही है, एलिसन रिस्के की बात हो रही है, या एशले बार्टी की बात हो रही है? इन चारों में से हम किसकी बात कर रहे हैं? काफी टैलेंटेड है ये जो भी हैं, बताइए. टेल 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 टेल, किसकी बात यहां पर हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन एशले बार्टी. एशले बार्टी की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन क्रिकेटर, कौन से ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं हु हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ क्रिकेट अकेडमी? एक क्रिकेट अकेडमी सेटअप करने का इनने डिसाइड किया है, वो भी जम्मू कश्मीर में. किस इंडियन क्रिकेटर ने ये डिसाइड किया है? इज इट अश्विन, सुरेश रैना, MS धोनी और दिनेश कार्तिक? इन चारों में से किसने ये क्रिकेट अकेडमी स्टैब्लिश करने का डिसाइड किया है जम्मू कश्मीर में? यार लाइक बटन दबा दो. कितना टाइम लगता है एक लाइक बटन दबाने में? उतना ही जितना तुम लोग एक लेटर टाइप करने में लगता है ये आंसर देने के लिए. क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग इसका? सुरेश रैना. द आंसर इज इंडीड सुरेश रैना. सो सुरेश रैना हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ क्रिकेट अकेडमी इन जम्मू कश्मीर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थॉमस कप और उबेर कप की बात हो रही है अगर इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से, किस खेल से रिलेटेड है? गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस? किस से रिलेटेड है बताया जाए? इट इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? द आंसर टू दिस बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. द आंसर इज बैडमिंटन. द आंसर टू दिस इज बैडमिंटन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पौलोमी घटक की बात हो रही है, अनाउंस्ड रिटायरमेंट, इनने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया. ठीक है, ये तो बता दिया मैंने कि इनने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया. शी वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको नाम दे दिया स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का और पूछ लिया किस स्पोर्ट से रिलेटेड है. ठीक, तो इसके लिए मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सजेशन भी है और मे बी एक क्लास ले लेंगे. नहीं ले पाते हैं तो तुम लोग ये चीज कर लेना. इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, फिर आपके द्रोणाचार्य अवार्ड किस किस को मिले वो लिस्ट देख लो और उनके नाम पढ़ लो और आगे उनको किस स्पोर्ट के लिए मिले वो दिया हुआ है. उनमें से ही अगर कोई नाम आ जाता है तो यू मस्ट नो कि किस किस स्पोर्ट से वो रिलेटेड है. जो कि काफी फेमस लोग हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, दो चार नाम होते हैं, ये सबको पता होता है. लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होते हैं जो सबको नहीं पता होते हैं. तो अब सब तो पढ़ने बैठ नहीं जाएंगे, इसलिए जिनको इस साल अवार्ड मिला है उन पे एक्स्ट्रा फोकस हम डाल सकते हैं. यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां वी आर टॉकिंग अबाउट पौलोमी घटक. शी इज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस. शी इज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स, 600 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पहले बॉलर कौन बने? ट्रेंट बोल्ट, जेम्स एंडरसन, राशिद खान या जोफ्रा आर्चर? किसकी बात हो रही है इन चारों में से? फर्स्ट बॉलर. बताओ 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 किसकी बात हो रही है? पहले बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन जेम्स एंडरसन. वी आर टॉकिंग अबाउट जेम्स एंडरसन. ओके, नेक्स्ट. हु वन द यूएफा चैंपियंस लीग? इस साल की चैंपियंस लीग किसने जीती? अब जिनको दो क्लब के नाम पता होंगे वो दो में से आंसर देंगे, जिनको बाकी पता होंगे वो देंगे आंसर. भाई बताओ, बायर्न म्यूनिख, PSG, मैनचेस्टर सिटी या मैनचेस्टर यूनाइटेड? इन चारों में से किसने चैंपियंस लीग जीती? जल्दी बताओ.
इज ही नॉट द फर्स्ट? राज, इफ यू हैव एनी लाइक कोई दिक्कत है इसमें तो प्लीज जस्ट मैसेज मी और लाइक मेल इट टू मी, वी विल सी। हो सकती है यार कुछ गलती मुझसे भी हो सकती है कभी कभी। द आंसर टू दिस इज, चलो ठीक है सही आंसर दे दिया सबने, द आंसर इज ए, बायर्न म्यूनिख की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, विच ऑस्ट्रेलियन स्विमर, कौन से ऑस्ट्रेलियन स्विमर ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड, लाइक विच ऑस्ट्रेलियन स्विमर हैज ब्रोकन मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्विम्स अक्रॉस इंग्लिश चैनल? क्या ये स्टिफनी पॉल है, क्या ये ए कार्टनी है, क्या ये क्लोई मैकार्डल है, या फिर समांथा बास्केट है? इन चारों में से किसने ये मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? टेल द आंसर। टेल द आंसर, द आंसर इज, बताओ 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 क्या आंसर है इसका? द आंसर इज इंडीड सी, क्लोई मैकार्डल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? इनने लाइक शी इज द ऑस्ट्रेलियन स्विमर हु हैज ब्रोकन मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्विम्स अक्रॉस इंग्लिश चैनल। जस्ट अ सेकेंड, तुम लोगों के कमेंट्स गायब हो गए हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का ये वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, किस कंट्री में होगा? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर इंडिया, इन चारों में से कहाँ पर होगा? जल्दी बताओ, वी लेफ्ट विद 10 मोर क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। द आंसर टू दिस इज, द आंसर टू दिस इज इंडिया, ये इंडिया में होने वाला है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021, इट विल बी हेल्ड इन इंडिया। ओके वेरी गुड, श्रीनाथ द्विवेदी, तान्या सिंह, प्राची, मोहित, सबने सही आंसर दिया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित नागल की बात हो रही है, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर से बता रही हूँ, नाम दे दिया, स्पोर्ट पूछ लिया, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये, बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल या फिर टेनिस? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। द आंसर टू दिस इज येस, इट इज टेनिस, ही इज रिलेटेड टू टेनिस, ये टेनिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। परफेक्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसके पहले ईमेल आईडी आ गई, कुछ दिक्कत हो पीडीएफ भेजनी हो तो भाई यहाँ भेज देना। सेकेंड क्रिकेटर टू पिक 500 टेस्ट विकेट्स, इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर फर्स्ट सेकेंड में तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्रिकेटर, सेकेंड क्रिकेटर, तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं। फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं, तो ये पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई या फिर पुणे? उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, पुणे। राज यादव इज सेइंग कि हमने सुमित नागल की बात करी, ही इज द ओनली प्लेयर टू रीच सेकेंड राउंड ऑफ यूएस ओपन इन 7 ईयर्स फ्रॉम इंडिया। तो राज, दैट वाज, आई डोंट, आई वुड नॉट वांट टू से दैट, बट दैट वाज बिकॉज काफी सारे लोग इस बार, ओके लेट्स लीव इट। चलो फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं, व्हाट इज द आंसर? पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर थे? दे वर हेल्ड इन दिल्ली, दे वर हेल्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट 2021 की बात करें, 2021 की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? दिल्ली में, कानपुर में, हरियाणा में, पुणे में, इन चारों में से कहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में खेले जाएंगे, ये कहाँ पर खेले जाएंगे बताओ बताओ। और जब तक बाकी लोग बता रहे हैं, जिनको आंसर नहीं पता है वो लाइक कर दो, कर दो यार, इतनी मेहनत करवाते हो एक लाइक भी नहीं करते हो। ओके द आंसर टू दिस इज हरियाणा, हरियाणा में होने वाले हैं ये 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके
ये यहाँ पे कहाँ पे, हरियाणा में होंगे। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो होते हैं दे आर गिवन एवरी ईयर, ये हर साल दिए जाते हैं। ये कौन देता है? दे आर गिवन बाय हूम? क्या ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट देती है? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कौन देता है? वी हैव 50 पीपल वॉचिंग योर, आई एम रियली हैप्पी, थैंकफुल एंड प्राउड ऑफ एवरीबडी एंड माई सेल्फ एज वेल, कि 50 लोग यहाँ पहली बार लाइव क्लास देख रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच। पहली बार तो नहीं यार, सॉरी ऐसी बोल दिया, देख रहे थे, पिछली क्लास में भी काफी बच्चे थे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू दिस इज प्रेसिडेंट। इसमें इतने इतने सिंपल क्वेश्चन में कुछ सोचने का टाइम भी नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ इंडिया, विच इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ इंडिया? क्या ये एकलव्य अवार्ड है, क्या ये द्रोणाचार्य अवार्ड है, इज इट अर्जुन अवार्ड, और इज इट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? इन चारों में से हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ इंडिया कौन सा है? हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ इंडिया, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। वी हैव 3-4 क्वेश्चंस लेफ्ट, जल्दी बताओ। परितोष, आर यू सेइंग सी? नो, यू वर सेइंग सी फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, सो वी हैव एवरीबडी आंसरिंग इट करेक्टली, इट इज इंडीड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये आपके कंट्री के हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर में आता है। अब बताओ भैया, रोहित शर्मा बिकेम किस नंबर का इंडियन क्रिकेटर टू गेट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? इस साल रोहित शर्मा को, मतलब 2020 में रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ये किस नंबर के इंडियन क्रिकेटर बने जिनको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया? क्या ये सेकंड नंबर के थे, थर्ड नंबर के थे, फोर्थ या फिफ्थ? किस नंबर के ये क्रिकेटर बने जिनको ये अवार्ड दिया गया, बताओ 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 बताओ। परफेक्ट, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज अ डाउट, ही बिकेम द फोर्थ इंडियन क्रिकेटर। अब भाई फोर्थ तो पता है, बाकी तीन कौन है? जस्ट टेल मी द नेम ऑफ द रेस्ट ऑफ द थ्री, और तीन कौन से इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इन द पास्ट? राजन, प्रियंका, इट्स नॉट फिफ्थ, इट्स फोर्थ, ही बिकेम द फोर्थ क्रिकेटर। तेजस्विनी यादव हैज करेक्टली सेड आफ्टर सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली, रोहित शर्मा बिकेम द फोर्थ इंडियन क्रिकेटर। ओके, परफेक्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? इज इट 27 जुलाई, 29 अगस्त, 19 सितंबर या फिर 23 मार्च? इन चारों में से आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? अब कब मनाया जाता है तो बता दिया, बता दो, मतलब उसके बाद ये भी बताओ कि हम लाइक वी रिमेम्बर हुम, हम किस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को याद करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन, किस किसके रिमेम्बरेंस के तौर पर हम इसको मनाते हैं? Yes, everybody is right. The answer is 29th August. अब किस पर्सनालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, किस स्पोर्ट्स पर्सन की बात हो रही है वो भी बताया जाए। यस, हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की। ओके, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट गॉट मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसको MAKA माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 में किस इंस्टीट्यूशन ने जीती? वॉज इट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी? इन चारों में से किसने ये ट्रॉफी 2020 में जीती? बताया जाए। तेजस्विनी सेज पंजाब यूनिवर्सिटी, ओके, ऑल ऑफ यू से पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं कैसे फिर इसको डिनाई कर सकती हूँ? इट इंडीड इज पंजाब यूनिवर्सिटी। देखो, यूजुअली इट इज पंजाब यूनिवर्सिटी जो ये ज्यादातर ये जीतता आ रहा है। देर हैज बीन अ टाइम जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी जीता है, देर वॉज ऑल्सो अ टाइम जब पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी जीता है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी इसका 2020 का आंसर है। ओके, नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 T20 के विकेट्स भाई, अब ये बता दो, वॉज इट आर अश्विन, ड्वेन ब्रावो, टिम साउदी या फिर वॉशिंगटन सुंदर? इन चारों में से हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 T20 विकेट्स? जल्दी ऑल्सो, तुम लोगों के क्वेश्चंस के अटेम्प्ट को देखकर लग रहा है कि तुम लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, और जस्ट बाय 2-3 क्वेश्चंस अपने आप को जज मत करो, मैं बोल रही हूँ तैयारी अच्छी चल रही है, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो, क्वेश्चंस लगातार अटेम्प्ट करो एंड यू आर गुड टू गो, एग्जाम क्लियर होगा 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 होगा. ओके, द आंसर इज डीजे ब्रावो. ओके, द आंसर इज डीजे ब्रावो, आई एम सो सॉरी, ड्वेन ब्रावो. ठीक है, फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 T20 विकेट्स की बात यहाँ पे हो गई है. सो वी हैव डन 50 क्वेश्चंस इन द पास्ट 1 आवर, 1 आवर क्या, 20-20 मिनट की क्लास लेके हमने 50 क्वेश्चंस यहाँ कर लिए हैं. जिन लोगों को थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन से डर लगता है वो, और जिनसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वो आज नहीं, 1-2 दिन के अंदर वापस से ये क्वेश्चंस विजिट करो. ठीक है, क्वेश्चन से आंसर देखो, आंसर से क्वेश्चन लाने की कोशिश करो, कोशिश करो याद हो जाएगा, कोशिश करोगे तो कैसे नहीं होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ठीक है, वी आर गुड टू गो, वी हैव डन दिस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. ओके, सो जेम्स एंडरसन इज द फर्स्ट पेस बॉलर. ये राज जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट हिम टू मेल इट टू मी एंड मैं ये ग्रुप पे डाल दूंगी. सो एनीबडी हु हैज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू पहले बॉलर, पहला फास्ट बॉलर, पेस बॉलर, फलाना ठिकाना, तो भैया वो देख लेना मैसेज. ठीक है, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? एग्जैक्टली प्रियंका, दिस इज इट, नाउ यू ऑल सेम टू बी लाइक माई स्टूडेंट्स, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? एंड आई हैव इमेंस फेथ इन ऑल ऑफ यू, करोगे करोगे करोगे, बिल्कुल करोगे, सबसे होगा. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर रात को हम लोग एक और लेक्चर ले लेंगे, इसके पहले 6:30 के अराउंड, लाइक 15-20 मिनट बाद तुम लोगों का एक ICT का लेक्चर है, मैम वुड बी टेकिंग अ क्लास 6:30 पे, 6:30 6:40 के आसपास ये क्लास है. सो क्लास अटेंड करो एंड रात को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं फिर से. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर.